ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि के 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं? हम यह दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उस विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को स्वर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं, इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है, वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थित रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों में 5 भूतों में देखते हैं, सृष्टि भूतलन में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुष को इस विषय में इसी रूप में जानना चाहिए। यह 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 मुख और इनके बीच में 5वां मुख। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इस प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, मैं 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप से प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया है। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पद्याक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह मकरादि और अकारादि रूप में प्रकाश में आया है। इस पद्याक्षर मंत्र से मात्र का वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उसी गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पद्याक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है और मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक होते हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र तंत्र से बताई हुई विधि के पालन पूर्वक
तीन बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्रों की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े होकर उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार। आपके पांच मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार। पंच ब्रह्म स्वरूप पांच कृत वाले आपको नमस्कार है। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं। आपके गुण और शक्ति अनंत है, आपको मेरा नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल दोनों रूप हैं, आप सद्गुरु और शंभु हैं, आपको नमस्कार। आप पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करते हुए ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को जो प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त अमहा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदिम भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः या मध्यान्ह के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषिद्ध व्यापिनी अथवा प्रादोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तनीय तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं, फिर भी मूर्ति के अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसलिए मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वे बेर से भी श्रेष्ठ कर समझकर लिंग का पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से वैर का पज्जाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं स्थापना करके अथवा दूसरों से स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करना चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए।